मेरा नाम रमिती है। मैंने अपना ग्रेजुएशन हॉली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज अंबिकापुर से किया है। मैं वहाँ आर्ट्स की छात्रा थी। उसके बाद मैंने अपना मास्टर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से की, जिसमें मुझे 2 स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुए। वर्तमान में मैं भारत के राजदूतावास स्विट्जरलैंड में 14 साल से कार्यरत हूँ। आज मैं जिस पद पर हूँ, उस पद पर पहुँचाने में हॉली क्रॉस आर्ट्स डिपार्टमेंट का और वहाँ के सभी टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसकी मैं हमेशा से आभारी हूँ और आभारी रहूँगी। मुझे याद है 2018 में हॉली क्रॉस के सिस्टर्स जो यहाँ इंगन बॉल में कार्यरत है, उन्हें भारत के राजदूतावास ने क्रिसमस गेट टुगेदर में बुलाया था और उन्होंने सबके सामने यही कहा था कि रहमती हमारी हॉली क्रॉस की बेटी है, जो कि मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी। इस संदेश के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी भी आर्ट्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे स्कोप हैं और मैं आर्ट्स डिपार्टमेंट के सभी छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। मैं अनिमा एस खजूर, कमांडेंट होमगार्ड फायर एंड SDRF के पद पर वर्तमान में रायपुर में पदस्थ हूँ। मैं 2005 PSC से हूँ। मैंने अपने जीवन की शुरुआत एक छोटे से गांव से की और बेहतर एजुकेशन के लिए मैंने अंबिकापुर होली क्रॉस में अपने एडमिशन लिया। वहाँ मैंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से किया है, जो कि मेरे लिए PSC में प्लस पॉइंट रहा, क्योंकि मैंने PSC हिस्ट्री और ज्योग्राफी से किया। मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेरे होली क्रॉस के शिष्यों का विशेष योगदान रहा है। वहाँ मैंने जो अनुशासन और समय पाबंद सीखा, वो आज भी मेरे जीवन में और मेरे जॉब में एक अच्छी सीख साबित हुई है। आज इस स्तर तक पहुँचाने में मुझे अपने माता पिता के साथ साथ मेरे गुरुजनों का भी विशेष योगदान रहा है। मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वे अपना लक्ष्य अवश्य निर्धारित करें और पूरी ईमानदारी से मेहनत करें, सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम एकता अग्रवाल है। मैं वर्तमान में नगर निगम जबलपुर में असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। ये मैंने 1998 में होली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज से BA पास किया और सन 2000 में मैंने इकोनॉमिक्स में MA किया है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी पढ़ाई के वो 5 साल जो मैंने होली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज में बिताए, इतना बेहतरीन शिक्षा का स्तर जो मुझे मिला, उसने बहुत मेरी मदद की भविष्य में PSC क्लियर करने में। 2000 के बाद मैंने 2014 में दोबारा पढ़ाई शुरू करी और बहुत ही कम समय में मैंने सब कुछ कवर करके और इस पद पर पहुंचने में मैंने सफलता हासिल की। मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ मेरे महाविद्यालय की सभी शिक्षिकाओं का। मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मुझे इतना बेहतरीन मुझे शिक्षा प्राप्त हुई और मेरे संघर्ष के दिनों में भी मुझे पूरा सहयोग मिला है कॉलेज परिवार की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मंजरी शर्मा है। मैं बिलासपुर के गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स PG कॉलेज में मनोविज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन होली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज अंबिकापुर से 2009 में पूरा हुआ। मैंने आज जो भी सफलता हासिल की है, उसमें होली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज अंबिकापुर का, वहाँ के शैक्षणिक वातावरण का और मेरे शिक्षकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं अपने शिक्षकों को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि आज वर्तमान में कला संकाय में बहुत अवसर है। अगर आप जिंदगी में एक नया मुकाम हासिल करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो आपको कला संकाय में प्रवेश जरूर लेना चाहिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुराधा शुक्ला है और मैं होली क्रॉस कॉलेज अंबिकापुर से ईयर 2000 के पास आउट हूँ। इस कॉलेज से रिलेटेड मेरी बहुत सी खूबसूरत मेमोरीज हैं जो मैं आपके साथ इन शॉर्ट शेयर करना चाहती हूँ। जब आप इस कॉलेज के कैंपस में आते हैं तो आपको कभी अपने घर की कमी महसूस नहीं होती, चाहे आप वो डेस्क स्कॉलर हो चाहे हॉस्टलर। इस अ कंप्लीट फैमिली। यहाँ की जो टीचिंग फैकल्टी हैं, दे ऑलवेज केयर फॉर यू एज अ मदर एंड एज अ सिस्टर। अगर पूरे कैंपस की बात करें तो इट इज़ सो ग्रीन, सो ब्यूटिफुल एंड इज़ अ काइंड ऑफ यू नो विजिटिंग प्लेस। मैं वो अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ
कि हमारे कई सीनियर्स जिनकी शादी हो जाती थी तो उनके जो हस्बैंड्स होते थे या उनके लॉज होते थे वो कैंपस देखने आते थे कि ये बच्ची जो है वो कहाँ से पढ़ी हुई है, हमने बहुत नाम सुना है। एंड डिसिप्लिन के मामले में तो कोई इसका सानी ही नहीं है, इट्स वेरी डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट, सिक्योरिटी बहुत है आपके पास। एजुकेशन का जो लेवल है होली क्रॉस ने उसमें अपना नाम हमेशा से इस्टेब्लिश किया है और होली क्रॉस से पढ़े हुई जितनी भी गर्ल्स हैं इवन तो वो बहुत सारी अलग अलग जगहों पे, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन अदर कंट्रीज ऑल्सो दे आर वर्किंग इन वेरी गुड पोजिशंस। मैं आर्ट फैकल्टी में थी और इवन आर्ट फैकल्टी की प्रेसिडेंट भी थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत पार्टिसिपेट करती थी, एकेडमिक मेरा बहुत बड़ा इंटरेस्ट था, यूनिवर्सिटी टॉप किया था मैंने एंड आई कंटिन्यू दिस लेगेसी फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन एज वेल। बहुत कुछ सिखाया इस कॉलेज ने और कभी ये नहीं लगा कि हमने कुछ अलग से सीखा। आज की डेट में मैं मुंबई में भारत के रेनाउंड इंस्टीट्यूट भारतीय विद्यापीठ के ही बैनर भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एज ए प्रोफेसर काम कर रही हूँ एंड ट्रेनिंग लीड की तरह से, ट्रेनिंग हेड की तरह से भी प्लेसमेंट के लिए इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ग्रूम कर रही हूँ। सो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड और ये कहना चाहूँगी कि आर्ट इज़ अ वेरी वाइड सब्जेक्ट। आर्ट में सबसे बड़ा कमाल होता है लैंग्वेजेस का जो ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आता है। ह्यूमैनिटीज़ में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आज के टेक्निकल एज में बहुत डिमांड है, इवन आज के टेक्निकल एज में कंटेंट राइटर्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप क्रिएटिव माइंड के हैं, कैप्शन लिखना जानते हैं, आर्टिकल्स लिखना जानते हैं तो कंटेंट राइटर्स की हर एक टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल फॉर्म में आज बहुत ज़्यादा डिमांड है। आर्ट से क्वालिफाई करने वाले लोग आगे चल के PhD करके, नेट क्वालिफाई करके, सेट क्वालिफाई करके गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस में इवन स्कूल्स में बहुत अच्छी पोजीशंस पे आ सकते हैं, फैकल्टी पोजीशंस पे विद प्रॉपर सिक्योरिटी ऑफ इकोनॉमी। प्लस जैसे आप जा सकते हैं टूरिज्म के फील्ड में एज एन एडवाइज़र, जिसमें गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट दोनों ही फील्ड में काम होता है। एज अ ट्रांसलेटर आप काम कर सकते हैं, रिटन में भी एंड ओरल में भी, इन बोथ द फॉर्म यू कैन डू वर्क। MSW कर सकते हैं आर्ट के थ्रू ही, जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों को सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और इसका जो स्कोप है ना वो आप केवल अपने क्षेत्र विशेष तक ही लिमिटेड मत रखिए, या आप नेशनल लेवल पे कहीं पर भी या इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पर भी जा सकते हैं बिकॉज आर्ट जैसा सब्जेक्ट इंसान को बहुत ही सेंसिटिव बनाता है। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, आई विश कि आप लोग इस कैंपस का फ़ायदा उठाएं, यहाँ के फैकल्टी का बहुत फ़ायदा उठाएं, उनका प्यार आप पे लुटे। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।